कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार बड़ा होता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी किसानों के प्रदर्शन का असर दिखने लगा है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने अहिमा मऊ सुल्तानपुर रोड पर चक्का जाम की तैयारी की थी, लेकिन प्रशासनिक मुस्तैदी से यह संभव नहीं हो सका। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत में भी किसान सड़कों पर उतर गए और हाईवे को जाम कर दिया। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों को वापस लेने और किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को बागपत जिले में निवाड़ा पुल पर सोनीपत हाईवे को जाम कर दिया। दरअसल गुरुवार को उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन की ओर से ऐलान किया गया था कि वो शुक्रवार दोपहर को कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन को लेकर किसानों ने बीते दिन मुजफ्फरनगर में महापंचायत भी की थी, जिसका असर दिखना शुरू हो गया। किसानों की ओर से दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगाया जाने लगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी किसान प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रदर्शनकारी किसानों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, इससे वहां लंबा जाम लग गया। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारी मात्रा में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। किसान दिल्ली सीमा में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। किसान संगठनों के आंदोलन से जुड़ी सूचनाओं को एकत्रित कर जिला प्रशासन लगातार लखनऊ भेज रहा है। गौरतलब है कि किसानों की ओर से केंद्र द्वारा लाए 3 कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि कानून वापस होने चाहिए, MSP और मंडी को लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने हर बार कहा है कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। ब्यूरो रिपोर्ट।